नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आस्था से खिलवाड़, मान्यताओं से खिलवाड़, परंपराओं से खिलवाड़। जी हाँ, सच सुना आपने। हम आपको सीधे वह तस्वीरें दिखला रहे हैं जिसको देखकर आपके मन में सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, जो कुछ हो रहा है वह निंदनीय है, बुरा है, और आप निंदा करे बिगर नहीं चुकेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। भले ही 9 दिन हमने शक्ति की आराधना की हो, मां की आराधना की हो, जवारों को शुद्ध और स्वच्छ रहकर उनको उनकी पूजन की हो और आशीर्वाद मांगा हो, परंतु ऐसे मां के स्वरूप जवारों का विसर्जन हम कहां कर रहे हैं और किन के कारण हो रहा है, यह सब आप इस समाचार के माध्यम से देखेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर दीवान जी की तलैया, जो कि एक हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का प्रतीक मानी जाती है, जहां एक तरफ होता है करबला तो दूसरे तरफ होते हैं जवार और कजलियों का विसर्जन, परंतु यह भ्रष्टाचार की फेंट चढ़ने वाली ये तलैया, जहां गंदगी का आलम, सिविल वार नंबर 3, जहां भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए एक महिला पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के यहां पर नगर पालिका रही, भारतीय जनता पार्टी के यहां पर विधायक और मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की यहां पर प्रदेश में सरकार, देश में सरकार, और यहां पर जो खिलवाड़ हो रहा है आस्था से, परंपरा से, किसकी जवाबदारी है, कौन है इसका जवाबदार? लोगों के मन में काफी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। कहते हैं नगर पालिका और जिला प्रशासन दोनों इसमें जवाबदार है, जनप्रतिनिधि भी जवाबदार है, कि आखिर जब यहां पर प्रतिवर्ष अनेक कई दशकों से यहां पर वर्ष में 2 बार जवारों का विसर्जन होता है और 1 बार होता है यहां पर कजलियों का विसर्जन, 1 बार होता है इसी में ताजियों का विसर्जन, पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और न जाने क्या क्या, इस सब की भैंस चढ़ गई और आस्था से हो रहा है खिलवाड़। मन में कितना आक्रोश उत्पन्न होता है लोगों के, आइए हम आपको लेके चलते हैं और दिखलाते हैं उस क्षेत्र में। बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे बोले नहीं जाएंगे, चल पीछे। बोल गंगाली माई की जय, बोल काली माई की जय। आप स्वयं देखें कितनी गंदगी, भिन्न भिन्नाते यहां पर जो गंदगी के कीटाणु, बदबू और सुरक्षा के वो पर्याप्त इंतजाम नहीं जो कि होना चाहिए, परंतु आस्था तो आस्था है, परंपरा तो परंपरा है, निर्वहन करते हुए यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं, मां से आशीर्वाद ले रहे हैं और मां से यह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि दोषियों के लिए सजा अवश्य देगी। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर स्वयं, और आइए अब हम चर्चा करते हैं यहां पर जवारों के विसर्जन के लिए आए हुए भक्तों से क्या कहना है उनका। आपका नाम क्या है? काशीराम बर्दिया है। काशीराम जी, आप तो काफी वयोवृद्ध हैं और पिछले बहुत समय से यहां पे आते हैं, कम से कम हो गए 50 साल अपनी उम्र में, 50 वर्ष। अपन 9 दिन माँ की भक्ति करते हैं, माँ की भक्ति करते बिल्कुल साफ शुद्ध, साफ शुद्ध, लेकिन आज हम माँ के विसर्जन कर रहे हैं ऐसी गंदगी में, क्या कहेंगे? ये प्रशासन की गलती है, ये सब प्रशासन की गलती है, सफाई रखना चाहिए। 9 दिन जब
दाना नहीं खाते हैं, बाकी उपासना करते हैं। काय के लिए करते हैं? अपने तन के आत्मा की शुद्धि के लिए। शासन को चाहिए कि सफाई होना चाहिए। लेकिन जब ये अब ये सफाई नहीं हो पा रही है और ऐसा सब कुछ है, ये चल रहा है, लापरवाही चल रही है, तो इसके लिए दोषी किसे मानेंगे आप? शासन को मानेंगे और किसको मानेंगे? शासन को जी। आपका नाम क्या है? मनीष सागर। मनीष सागर जी, आज हमने 9 दिन तक माँ की आराधना की जी, शुद्ध रहे, साफ रहे, बिल्कुल माँ की भक्ति की, और आज हम जवारों का विसर्जन करने आए हैं। लेकिन ऐसे स्थान पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि पूरी गंदगी है। यहाँ पे नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि पूरी गंदगी पर करना पड़ रहा है। इस बार कोई सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसके लिए जवाबदार किसको मानते हैं आप? प्रशासन, नगर पालिका को। प्रशासन और नगर पालिका यहाँ जवाबदार है जी, जो आस्था से भी खिलवाड़ कर रही है सर, और धर्म की भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यही है ना? बिल्कुल सर। आपका नाम जान सकते हैं? हमारा नाम गिरजा भाई। गिरजा जी, आज माँ की हमने आराधना की, 9 दिन तक जवारे रखे, पूजन किया, अर्चन किया, और हम आज विसर्जन कर रहे हैं नवमी को। कितनी शुद्धताई में रहते हैं? आज हम यहाँ विसर्जन कर रहे हैं, यहाँ जो गंदगी का आलम है, आपको क्या लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, खराब लग रहा। खराब लग रहा, यानी धर्म से, आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जवाबदारी किसकी थी? इसको साफ सफाई करवाओ। नगर पालिका की जवाबदारी थी और उनने साफ सफाई सही ढंग से नहीं करवाई, आज गंदगी में आप विसर्जन कर रहे हैं। गंदगी में सिर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग माँ से भक्ति करते हैं, वरदान मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? वो अपने आप करवा देंगे, माता खुद अपनी शक्ति का एहसास को करा देंगी। तो सुना आपने किस प्रकार का आक्रोश है, दुख है और सीधे आरोप प्रशासन पर, शासन पर, नगर पालिका पर, जिम्मेदार लोगों के ऊपर। और यह है माँ से प्रार्थना कि माँ ऐसे लापरवाही लोगों को सजा अवश्य देगी। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।